अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन PMDC के बिल में कुछ तरमीमात करने के लिए सेनेट के अंदर जब ये बिल 2 अगस्त को पेश किया गया तो इस बिल की पेश होने में एक तोसी कर दी गई थी और कहा गया था कि आप इनमें कुछ तरमीमात करके लाएं, इस बिल को दोबारा से पेश किया जाए। हमारे सामने खबरें चलती रहीं कि 3 या 4 या 5 तारीख को ये बिल दोबारा से सेनेट में पेश होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। फाइनली हमारे पास एक खबर आती है, एक नोटिफिकेशन आती है कि अब सेनेट का जो नेक्स्ट इजलास होगा 22 अगस्त को, उसी में ये बिल पेश होगा। इसके बाद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन, इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, उनकी जानिब से एक बड़ी मज़ाहमत सामने आती है। उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लिया गया और गवर्नमेंट के नाम बहुत सारे लेटर्स भेजे गए कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें और सेनेट के अंदर इस बिल को पेश भी करें और पास भी करें। तो अब जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन साहब हैं, उनकी जानिब से कुछ हदायत की गई हैं। ये हदायत हम आपके सामने पढ़ते हैं। डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा है कि PMDC बिल एवाने बाला में लाया जाए। मजकूरा सेनेट की कमेटी के चेयरमैन सेनेटर हुमायूं अहमद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातचीत भी चल रही है। वैसे भी हुमायूं अहमद ईवान में नहीं आते हैं। वजीर मुमलिकत शहादत ईवान, हमने भी अपनी हुकूमत में इस बिल पर बहुत काम किया है, तो चाहते हैं कि शिबली फराज मजकूरा बिल को मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बाद ईवान में पेश किया जाए। यानी अब इस बिल को मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बाद पेश करने की ये जो हुक्मनामा है, ये चेयरमैन साहब की जानिब से भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन सेनेट की ये हदायत है कि PMDC का जो तरमीमी बिल है, इसको मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बाद फौरन पेश किया जाए। व्यूअर्स, अगर PMDC का ये बिल पेश हो भी जाता है तो भी आपको बताते चलें कि इस साल का जो MDCAT का एंट्री टेस्ट है वो PMDC कंडक्ट नहीं कर रही है। ये जो एग्जाम है इसको PMC कंडक्ट करेगी। और इसकी सबसे बड़ी जो 2 स्ट्रेटजी सामने आई हैं, जो 2 बड़ी रीजंस हमारे सामने हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो ये है कि PMC अपने पोर्टल्स के ऊपर MDCAT की तमाम रजिस्ट्रेशन ओपन कर चुकी है, स्केड्यूलिंग्स ओपन कर चुकी है, रीस्केड्यूलिंग की ऑप्शंस दे चुकी है। इसके अलावा सेंटर्स भी मुख्तस हो चुके हैं, उन सेंटर्स के अंदर तमाम मैनेजमेंट का सिस्टम कंट्रोल हो चुका है। जाहिर है कि एंट्री टेस्ट की जितनी भी तैयारियाँ थी PMC ने वो तैयारियाँ कर ली हैं। अगर PMDC का बिल मुहर्रमुल हराम के बाद पेश हो भी जाता है तो भी ये PMDC किसी भी सूरत इतनी जल्दी एक कमीशन नहीं बन सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि PMDC ये इंतजामात जो करने में PMC को 2 महीने लगे हैं, 2.5 महीने लगे हैं, PMDC उनको सिर्फ चंद ही रोज में मुकम्मल नहीं कर सकेगी। मजीद बरा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो लिस्ट आपको शो हो रही है, ये 2022 के MDCAT के जो सेंटर्स बनाए गए हैं और उनकी स्केड्यूलिंग डेट्स जो हैं शहरों के हिसाब से आपको बता दी गई है, किस शहर में कौन कौन सा सेंटर बनाया गया है और किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने ही शहर के अंदर, अगर आपका शहर इस लिस्ट में मौजूद है, आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर नहीं हो पाती है तो आप अपने नियरेस्ट सिटी में भी करवा सकते हैं, और अगर आपको उनमें से भी कोई प्रेफर्ड जगह नहीं मिलती है तो फिर आपको जो है अपनी मर्जी से PMC किसी भी नियरेस्ट प्लेस पर जो है वो ट्रांसफर कर देगी। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ शहरों के अंदर 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक टेस्ट होते रहेंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी का सेंटर बनाया गया है, तो यहाँ पर 7 से लेकर 30 सितंबर तक कंटिन्यूसली टेस्ट होते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड जो है इसमें आप देख सकते हैं 7 से लेकर 20 सितंबर तक आपको डेट्स दी गई हैं। आप 7 से 20 सितंबर के अंदर अंदर यहाँ पे एंट्री टेस्ट दे सकते हैं, इसके बाद की डेट आपको अवेलेबल नहीं होगी। इसकी रीज़न ये है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस शहर के अंदर, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इन्हीं दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे, उनके टेस्ट इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसी हिसाब से सेंटर्स और डेट्स रखी हैं PMC ने बहुत ज़्यादा मैनेज कर के। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो और ये लिस्ट आपके लिए यूजफुल साबित होगी। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिए। खुदा हाफिज़।